को सिखाइए कि हमें बाहर की चीजें नहीं अंदर की चीजें खानी चाहिए, घर की चीजें शुद्ध खानी चाहिए, घी दूध खाइए, दही मक्खन मट्ठा पीजिए, बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो ये सबसे पहले हमें टीवी में सत्संग लगानी चाहिए या भजन लगानी चाहिए या जो भी वैसे न्यूज वगैरह जो भी मतलब जिससे बच्चों को अच्छी चीजें नॉलेज हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि सबसे पहले हमें खुद का वातावरण सही रखना चाहिए, अपने माइंड का, अपना शरीर का। तो सबसे पहले अपने बच्चों को ये सिखाइए कि बच्चे हम कौन है, हम क्या है, उनको अपने सनातन धर्म की रीति रिवाज समझाइए, वेद। तो बाकी सारा काम हो गया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सरोज और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरोज ढोंडियाल ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और आज बहुत ही तेज धूप लग रखी है। वैसे तो अब थोड़ी थोड़ी धूप कम होने लग गई है, मतलब कि हल्की हल्की धूप लग रही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडियों का मौसम भी आ रहा है। सुबह शाम तो बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है और लेकिन दिन में तो लगी रही है धूप। तो हमारा सारा काम हो गया है, बाकी कपड़े वगैरह सब धो दिए। आजकल सफाई का काम चल रहा है घर में क्योंकि दिवाली आ रही है तो सब सारी सफाई हो रही है। और मैंने यहाँ पर देखिए सारे जितने भी घर में गुड्डे थे वो भी धोधा दिए हैं, मतलब धोए नहीं है, गीले वेले कपड़े से साफ कर दिए हैं क्योंकि धोने से उसकी रुई खराब हो जाती है। और बाकी यहाँ पर देखिए कपड़े भी धो दिए, चद्दर सोफे के कपड़े जो भी होते हैं घर के, तो बहुत ही सारे ज़्यादा काम हो जाते हैं तो यहाँ पर गुड्डे धो रखे हैं ये देखिए। तो बाकी सारा काम हो गया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी बात कर लेती हूँ क्योंकि घर के डेली के काम आप लोगों को पता है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा हो जाता है तो बस वो सब क्या दिखाना है। और बाकी आजकल अभी क्यारी वारी का काम कुछ नहीं हो रहा है तो जब क्यारी वारी का काम होगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगी। तो आज मैं एक चीज पे बात करने वाली हूँ कि आज हमारे जो वातावरण होता है पूरे वातावरण का हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चों के लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे आसपास का वातावरण रहेगा वैसे हमारी लाइफ में वो प्रभाव करता है, चाहे हमें आस पड़ोस हो या फिर हमारे चारों तरफ हो या हम कहीं भी जा रहे हो, उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। तो जैसे हम रहेंगे अपने घर में वैसे हमारे बच्चे भी वो नोटिस करते हैं, वो भी अपने जीवन में वही प्रभाव डालते हैं। मतलब जैसे हम करेंगे अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी बोलचाल होता है, जो भी हम हमारे संस्कार होंगे वो हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार पड़ते हैं। अगर हम अपने घर में ऐसा वातावरण रखेंगे, अच्छा वातावरण रखें, तो बच्चों पर भी अच्छा वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। गलत रखेंगे, गलत विचारों का संगत करेंगे या फिर गलत बोलेंगे, ज़्यादा ऊंची आवाज में बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, झगड़े से बात करेंगे, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, वो भी वैसे ही बोलते हैं। सबसे पहले आप यहीं से ले लीजिएगा, अगर हम टीवी में कैसी चीजें देखते हैं वो बच्चे भी वही देखते हैं, हम मोबाइल में कैसी चीजें देखते हैं बच्चे भी वही देखते हैं। तो सबसे पहले हमें टीवी में सत्संग लगानी चाहिए या भजन लगानी चाहिए या जो भी वैसे न्यूज वगैरह जो भी मतलब जिससे बच्चों को अच्छी चीजें नॉलेज हो या जिससे उनको कुछ जानकारी मिले, जैसे सत्संग हो गया, भागवत लगा दी, तो उससे उन्हें बहुत कुछ सीखने के मिलता है क्योंकि भागवत में सारी चीजें बताई जाती है, हमारे वेद पुराणों के बारे में बताया जाता है, हमारे जो सनातन धर्म है उसके बारे में बताया जाता है। तो हमें अगर हम टीवी में ऐसी चीजें लगा देंगे जिससे मतलब सारे घर का माहौल अच्छा रहेगा, ऐसी चीजें हम लगा देंगे तो बच्चों पे भी वही प्रभाव पड़ता है और हम भी अगर सुनते रहेंगे तो हमारे मन भी गलत विचारों में नहीं जाएगा या निंदा चुगली जो भी होती है उसमें नहीं जाएगा, पूरी ध्यान उसी पे जाएगा और घर में जितने भी लोग होंगे उनको भी उन पर भी वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जैसा मतलब जैसे एक गृहिणी का काम होता है, एक माँ हो गई या फिर एक औरत का काम हो गया अपने घर में, वो कैसे वातावरण को क्रिएट करती है क्योंकि वो उसी पे होता है। बाकी तो बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, उसके सास ससुर बुजुर्ग जो भी है वो हम कर सकते हैं, सबका ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है तभी हम दूसरे को सुधार पाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि सबसे पहले हमें खुद का वातावरण सही रखना चाहिए, अपने माइंड का, अपना शरीर का, अपने चारों तरफ का वातावरण साफ सफाई हो गई, जो भी एक्टिविटी होती है पूरी दिनचर्या अपनी पहले सबसे पहले अपनी ठीक रखो, उसके बाद अपने घर वालों की वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी क्योंकि जब हम परिवार में अगर एक भी व्यक्ति ठीक हो जाए तो सारे व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाए। एक चीज आपने बहुत ही कॉमन देखी होगी आजकल कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो नौजवान हो रहे हैं वो भक्ति में बहुत कम विश्वास कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं, 100 में से 60% या 80% लोग ऐसे हैं कि जो भक्ति में विश्वास कर रहे हैं। नहीं तो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं या नौजवान होते हैं, ये जो भी हो वो आजकल भक्ति में या सनातन धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं, जैसा जो बोल रहा है वैसे ही मान रहे हैं, अपने धर्म में विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग देखते होंगे कितने केसेस आ गए हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को बचपन से ऐसे संस्कार देने चाहिए कि ताकि वो हमारे सनातन धर्म का, हम हिंदू है, सनातन धर्मी सनातनी है, तो हमें अपने सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें तिलक लगाना चाहिए माथे पे।
तो सबसे पहले अपने बच्चों को ये सिखाइए कि बच्चे हम कौन है, हम क्या है, उनको अपने सनातन धर्म की रीति रिवाज समझाइए, वेद पुराण पढ़ाइए और उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाइए, मतलब उन्हें वो किताबें बुक्स दीजिए, वो पढ़ेंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि बुद्धि भी तीव्र होती है, हनुमान चालीसा पढ़ के बुद्धि बहुत तीव्र होती है और बच्चों का दिमाग साफ और स्वच्छ रहता है और गलत विचार बिल्कुल भी मन में नहीं आते हैं। छोटे बचपन से हमें बच्चों को ऐसे संस्कार दे देने चाहिए कि हनुमान चालीसा पढ़ो, जो भी गीता है, श्रीमद् भगवत महापुराण है, रामचरितमानस है, ये सब बच्चों को पढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा भागवत पढ़िए, भागवत को मतलब वो कहिए, भागवत सुनिए, भागवत सुनने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मन साफ होता है। अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए और बच्चों को ये भी बताइए कि बाहर की चीज़ें कितनी नुकसानदायक है, बाहर की चीज़ें भी मत खाइए, ये भी वातावरण का एक प्रभाव है, क्योंकि बाहर आप लोगों को पता है लोग कैसे बना रहे हैं, हमें नहीं पता है बाहर की जो पिज्ज़ा चाउमीन बर्गर है ये कैसे किस पानी से बना रहे हैं। आजकल बीमारियाँ देखिए आप कितनी फैल रही है, तो ये इसी वजह से फैल रही है कि हम लोग ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाने से आप लोगों को पता है वो किस पानी का यूज कर रहे हैं, किस सामग्री का यूज कर रहे हैं, कैसी चीजों का यूज कर रहे हैं। हम अपने घर में चाहे स्वाद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे सिखाइए कि हमें बाहर की चीजें नहीं अंदर की चीजें खानी चाहिए, घर की चीजें शुद्ध खानी चाहिए, घी दूध खाइए, दही मक्खन मट्ठा पीजिए, बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो ये भी एक वातावरण का प्रभाव है, घर में ऐसा वातावरण बनाइए तो तभी बच्चे भी उसी वातावरण को फॉलो करेंगे। तो ये सब आप लोगों का काम है, माताओं का काम है। तो मेरी विनम्र भाव से आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से कमेंट कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कि ताकि मैं नेक्स्ट बार भी ऐसी वीडियो बना पाऊँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से कि लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सरोज मिलूंगी आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। राधे राधे।